हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे कॉर्न चाट। कढ़ाई में मैंने घी डाला है, आप चाहें तो बटर डाल लें या फिर कोई भी वेजिटेबल ऑयल डाल लें, रिफाइंड डाल लें। फिर इसमें ये जो कॉर्न है ना, इसको मैंने सुबह में बॉईल कर लिया था। भुट्टे का मौसम है तो मैंने बाजार वाले भुट्टे लिए हैं, ये फ्रोजन नहीं है। देखिए इसके दाने ना छोटे छोटे हैं, फ्रोजन वालों के दाने ना बड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ पर कॉर्न को 4 से 5 मिनट भुनेंगे, उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे, नमक, जीरा, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर और मिर्ची पाउडर। और हम यहाँ पे थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जो कॉर्न है ना फ्रेंड्स, ये मीठे नहीं आए हैं इस बार। स्टेप डाल के 2 मिनट भून लेंगे। बचपन में जब हम गांव जाते थे ना फ्रेंड्स, तो हमारी दादी ऐसे ही खिलाती थी। मुझे आज भी बहुत याद आता है, दादी तो अब रही नहीं, पर कभी कभी याद आता तो हम भी ऐसे बना लेते हैं। धनिया के पत्ते डाल के 1 मिनट पकाएं। फ्रेंड्स, इस मौसम में कॉर्न मिलता है ना, आप कॉर्न लेके बॉईल करके उसे फ्रिज में अगर आप स्टोर कर लेंगे तो 1-1.5 महीना आपका काम चल जाएगा। तो हमारा कॉर्न चाट तैयार है। अगर आपके पास नींबू हो तो इस समय थोड़ा सा नींबू डाल दें। मेरे पास नहीं है इस समय नींबू, तो मैं नींबू नहीं डाल रही हूँ, पर आप ज़रूर डालें। तो देखिए, देखने में कितना सुंदर लग रहा है कॉर्न चाट, मन कर रहा है अभी खा लूँ। देख के आपको थोड़ा दुकान वाली फीलिंग भी आ रही होगी। पहले हमारे घरों में, गांव में, हर घर में ऐसा खाना बनता था। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।